हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो मूस। उसके लिए मैंने ये 1.5 कप आम के टुकड़े लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में डाल के इसका प्यूरे बना लेंगे। अब हमें इसका प्यूरे बना लेना है। ये प्यूरे बना लिया है। अब इसमें से हम जो हमने 1.5 कप आम लिया था, तो 1/2 कप आम का हम इसमें से प्यूरे निकाल लेंगे। अब हम इस पल्प में डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। हम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। 1/4 कप से थोड़ा कम हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप मलाई। ये दूध गर्म होने के बाद जो मलाई निकलती है वो ली है मैंने। अब हम इसको अच्छी तरह से इसका प्यूरे बना लेंगे मिक्सी में। आप देख सकते हैं अच्छे से प्यूरे बन गया है। अब हम इसे ग्लास में सेट करेंगे। इस तरह से हम ग्लास में इसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्लास में पोर कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अब हमें मूस में डालने के लिए, ऊपर ग्लास में डालने के लिए एक ग्लेज बनानी है मैंगो की। तो ये जो 1/2 कप मैंगो का प्यूरे लिया था हम इसमें डाल देंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इसको अच्छे से पका लेना है हमें। ये अच्छे से पक गया है, चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये ग्लेज ठंडा हो गया है। अब हम इसमें पोर करेंगे। इसके ऊपर हमें इसे डालना है। इस तरह से हमें इसको अच्छी तरह से फैला के इसमें सेट करना है। अब इसके ऊपर हमें एक और लेयर बनाना है। ये सॉस पैन ले लिया है मैंने। इसमें हमें अब ये मलाई डालनी है। इसको गर्म होने देंगे। अभी मलाई गरम हो गई है, गैस को बंद कर देंगे। और हमें इसमें चॉकलेट डालना है, वाइट वाला चॉकलेट डालेंगे। और इसको भी हम ये गरम मलाई में ही मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मलाई में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको जो हमने ग्लास में मैंगो मूस डाल दिया था उसके ऊपर हम इसका लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट और मलाई का जो लेयर बनाया था वो लगाएंगे। चॉकलेट मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से आम के टुकड़े डालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी रेड कलर की टूटी फ्रूटी डालेंगे। तैयार हो गया है हमारा मैंगो का मूस। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर दिखते हैं। खाने में भी टेस्टी है। बिना व्हिपिंग क्रीम के हमने इसे बनाया है। आप इसे ज़रूर एक बार बना के देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, सेट करें और फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।